जो बड़ी और अहम खबर है वो नामांकन से जुड़ी हुई है। खबर 10 बजे की, आज विजयपुर में प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे, जैसे कि भाजपा के प्रत्याशी और कैबिनेट मिनिस्टर रामनिवास रावत आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शिवपुर के विजयपुर जाएंगे, चूंकि यहीं पर आज नामांकन भरा जाएगा। नामांकन से पहले रोड शो और जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा भी आज अपना नामांकन भरेंगे। रामनिवास रावत ने, ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मिठाई खिलाई है। और अगर बुधनी की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल आज अपना नामांकन भरेंगे। आज 11 बजे शुभ मुहूर्त देखकर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शामिल होंगे, हेमंत कटारे, अजय सिंह समेत कई बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो शामिल होंगे। यानी कांग्रेस कहीं से भी इस उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही है और पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। अगली खबर भी रायपुर से है। आज नामांकन भरेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा। शक्ति प्रदर्शन के बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 12 बजे गांधी मैदान में सभा के बाद रैली होगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल होंगे। महापौर और कांग्रेस के पार्षद के साथ कार्यकर्ता इस नामांकन रैली में शामिल होंगे। आकाश शर्मा ने कल मुहूर्त के हिसाब से अपना नामांकन जमा किया था। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी से है आकाश शर्मा का मुकाबला। कल शक्ति प्रदर्शन के साथ नॉमिनेशन सुनील सोनी दाखिल करेंगे। तो आकाश शर्मा का मुकाबला सुनील सोनी से है, जो पूर्व में सांसद रहे हैं रायपुर के, उनका मुकाबला है। और 1990 से लेकर आज तक ये सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट कही जाती है। और इसे कहा जाता है कि बीजेपी का अभेद किला है, यानी वो किला है जिसे अब तक 1990 से कोई भेद ना सका, जबकि राज्य भी बदल गया। पहले अखंड मध्य प्रदेश था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में बदल गया, लेकिन हालात बदले नहीं। यहाँ पर ये बीजेपी का अवैध किला लगातार बना रहा और कोई किसी ने भी यहाँ पर सेंध नहीं लगाई। लेकिन इस बार कैंडिडेट 1990 के बाद पहली बार बदला है बीजेपी की तरफ से, चूंकि वो लोकसभा के सांसद हो गए हैं। और वर्तमान में जो चुनाव लड़ रहे हैं सुनील सोनी, ये इसके पहले सांसद हुआ करते थे। और दूसरी तरफ आकाश शर्मा है जो कि युवा है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कई और टिकटार्थी थे लेकिन कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी पर एतबार जताया, भरोसा जताया और इन्हें टिकट दिया है। और तीन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश भारद्वाज जुड़े हुए हैं शिवपुर से, जो कि विजयपुर चुनाव का अपडेट देंगे, वहां आज क्या होना है। अतुल तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। ये कहां से, ये देखना होगा, समझना होगा। इनसे भी बुधनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे। सौरभ, आज आकाश शर्मा नामांकन करने हैं और रायपुर दक्षिण में क्या क्या कार्यक्रम है आज का? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से कांग्रेस ने आकाश शर्मा नए चेहरे, युवा चेहरे को प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो शीर्ष नेतृत्व है वो एकजुट दिखाई दे रहा है। चरणदास मान, दीपक बैज, भूपेश बघेल और अन्य तमाम नेता जो है आज जो है गांधी मैदान में आम सभा करेंगे, उसके बाद रैली के माध्यम से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे और फिर नामांकन जो है फॉर्म भरेंगे कलेक्ट्रेट में। और मैं भी वहीं पर खड़ा हूँ। ये आप देखिए कि राजीव जो
गांधी मैदान है, गांधी मैदान है और यहाँ पर कांग्रेस भवन है। आप देखिए कि पूरी तरीके से आम सभा के लिए ये सजाया जा रहा है अभी, और लगभग 12 बजे का समय रहेगा जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता और कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचेंगे। और इससे पहले कि बता दें कि आकाश शर्मा जो है एक सीट का नामिनेशन जो है वो भर दिए है, मुहूर्त के अनुसार कल उन्होंने भर दिया था और आज पूरी तरीके से जो ऑफिशियल वो है वो पूरी तरीके से भरेंगे और तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस इस चुनाव को जो है हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे पहले जो कैंडिडेट दिए जा रहे थे वो कैंडिडेट के अपेक्षाकृत ये कैंडिडेट बेहतर है, युवा है, इनके साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में इनके पास टीम की कोई कमी नहीं है। 255 बूथ है, 270,000 जहाँ पर कुल मतदाता है, तो वहाँ पर मतदाताओं को, हर वर्ग के मतदाताओं को कैसे जो है कांग्रेस से की ओर से जुड़ा जाए उसको लेकर पूरी एक स्ट्रेटजी बनी है। कांग्रेस के तमाम विधायकों, पूर्व विधायकों, पार्षद, पूर्व पार्षद और सभी नेताओं को जो है जिम्मेदारी दे दी गई है पूरे बूथ में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो पूरे चुनाव को काफी गंभीरता से लड़ रही है। और हमने जैसे पहले ही देखा कि दीपक बैज का कहना था कि यहां पर दक्षिण में काफी चुनौती थी कि कैसे जो है प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी थी। हालांकि दो लोग ऐसे हैं, प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल, जिन्होंने दावेदारी की थी, उनकी नाराजगी सामने आई है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के सभी नेताओं का कहना है कि उन्हें मना लिया जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरीके आज की जब रैली निकलेगी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस का एकजुट है, कांग्रेस के क्या सभी बड़े नेता जो है ये चाह रहे हैं कि ये चुनाव जीता जा सके। और दूसरी बात कि आकाश शर्मा के चेहरे को लाया गया तो उनके साथ युवा भी दिखेंगे, तो युवा किस तरीके से काम करते दिखाई देंगे। बिल्कुल, अतुल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, बुधनी में आज क्या कार्यक्रम है? बुधनी विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले उसमें आज कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल यहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी हाई क्लासिफाइड सीट मध्य प्रदेश की मानी जाती, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई और उपचुनाव सीट पर हो रहा है। उनके खास व्यक्ति इमरान भार्गव को यहाँ से टिकट दिया गया है, जो यहाँ से पूर्व सांसद है, और आज राजकुमार पटेल अपना नामांकन यहाँ से दाखिल करेंगे। बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है, कांतिलाल भूरिया है, अजय सिंह है, जीतू पटवारी है, हेमंत कटारे, सभी आज यहाँ पर रैली के रूप में शामिल होंगे और राजकुमार पटेल का पर्चा दाखिल करेंगे। आपको यही बताना चाहते हैं कि राजकुमार पटेल शिवराज सिंह चौहान के पहले 2003 के पहले यहीं से विधायक थे और लगातार केदार समाज की बात की जाए तो केदार समाज में राजकुमार पटेल का खासा नाम है, और लगातार सामाजिक सरोकार की बात की जाए या विधानसभा क्षेत्र में तो राजकुमार पटेल इस बुधनी विधानसभा में लगातार सक्रिय भूमिका उनकी रही है। चलिए और जानते हैं स्वदेश से कि आज श्योपुर में चूंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी लगा है, सभा भी होनी है और इसके साथ वहां पर क्या क्या कार्यक्रम है, ये हम स्वदेश से जानते हैं। स्वदेश बताइए। देखिए जिस प्रकार कम से कम 9 मंत्री रहेंगे, मोहन यादव के साथ साथ प्रभारी मंत्री राजीव शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, ऐसे कई दिग्गज नेता आज विजयपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। उसको लेकर तैयारियां एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करना है, जिसको लेकर आज पूरी तैयारी यहाँ कर दी गई है। रामनिवास रावत यहाँ सीए जो कि आज नामांकन दाखिल करेंगे और बड़ी संख्या भीड़ के साथ वह नामांकन दाखिल करेंगे। यानी इन तीनों विधानसभा में आज नामांकन होगा, एक तरफ जहां कांग्रेस करेगी रायपुर में, दूसरी तरफ विजयपुर में रामनिवास रावत यानी बीजेपी अपना नामांकन दाखिल करेगी और बुधनी से राजकुमार पटेल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।